चलो भाई बैक प्रोफाइल से आज शुरू करते हैं। टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एन 28.5 लाख रुपए वाला मॉडल है, डीजल के अंदर है। पहले ही स्लॉट में भाई को ये गाड़ी मिल गई थी, एक रापचिक और एक खतरनाक लुक गाड़ी की लग रही है। पीछे से एक जैसे वोल्वो की लाइट हो, जो कहते हैं ना भाई वैगनर जैसी लाइट है, क्या छोटी बच्ची वाला नाम ले दिया यार। वोल्वो से कंपेयर करो, उससे बड़ी गाड़ी लगेगी, उससे छोटी गाड़ी नहीं लग रही। ये नेक्सॉन खड़ी है और ये साइड में खड़ी है स्कॉर्पियो एन, तो बहुत हाइट का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। गाड़ी वाकई में बहुत ऊंची है। मेरी ऑलरेडी हाइट है ना, मेरी हाइट है 5 फुट तकरीबन 10 इंच के आसपास मेरी हाइट है। और मैं इस गाड़ी के ना देखो ऐसे शीशे तक आ रहा हूँ, ये पिछले शीशे तक मेरा सर आ रहा है, तो सोचो गाड़ी कितनी ऊंची होगी, हाइट कितनी ज़्यादा इसकी होगी। इंटीरियर आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा, एक बार आप लोगों को मैं पहले से इस गाड़ी की जो है बाहर से लुक दिखा देता हूँ कैसी है। ये देखो भाई, ये चीज़ भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है ये गाड़ी। अगर आप लोग गाड़ी लेने जा रहे हो और आप अगर गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो और इस रेंज में आपका अगर बजट है, कोई भी आपने गाड़ी देखी है, तो एक बार मेरे कहने से आप कंपनी के महिंद्रा के अंदर जाना, इसको चला के देखना, अदर को चला के देखना, आई थिंक आपकी जो है सोच थोड़ी सी बदल जाएगी। क्योंकि पहले जो स्कॉर्पियो थी ना, एक गैंगस्टर देसी गाड़ी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, लेकिन अब अगर क्लास चाहिए तो क्लास वाइज आप लोगों को गाड़ी, दिस इज़ ए परफेक्ट कार। क्यों कह रहा हूँ, चलो अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये बात मेरा बोलने का विजन और ये बात बोलने का मेरा अर्थ किस वजह से है। दिस इज द प्रॉपर रीजन क्यों कह रहा था, पहले इंटीरियर नहीं मिलता था। अब जो पढ़े लिखे वाली जो फील आएगी ना आप लोगों को, जो पढ़े लिखे वाली आप फील लेना चाहते हो, वो चीज अब आप इस गाड़ी के अंदर है। मतलब आप इस गाड़ी का इंटीरियर ना अब एक 50-60 लाख रुपए वाली गाड़ी से इस गाड़ी का इंटीरियर मैच कर सकते हो, ये देखो। और हर सिचुएशन में चलने के लिए रेडी, ये 4x4 मॉडल है, मड में, स्नो में, रेत में, हर तरीके की सिचुएशन के अंदर ये चलेगी। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सारे फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, गूगल कर लेना अगर इंजन की पावर वगैरह सारी चीज़ें जानना चाहते हो। यह समझ लो कि ये एक गाड़ी ऐसी है जिसके अंदर थार के भी गुण हैं, फॉर्चूनर के भी गुण हैं, एक फैमिली कार के भी गुण हैं, पढ़ी लिखी कार के भी गुण हैं और बदमाश वाली गाड़ियों के भी गुण हैं। तो एक सर्वगुण संपन्न ये गाड़ी है। इस तरीके से आप लोगों को इसमें सनरूफ मिल जाती है, छोटे वाली पूरी पेंट्रोमिक सनरूफ नहीं आती है, पीछे पूरी प्रॉपर तरीके से अंदर इसके सीट्स दी हुई हैं, बैठने बैठने की फैसिलिटी अच्छी है। ज्यादा सवारी जा रही है, सामान रखने की दिक्कत आएगी, 5 से 6 बंदे जा रहे हैं, पीछे सीट फोल्ड होकर के सामान आसानी से इसके अंदर रख सकते हो। हैंडरेस्ट आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा, सीट्स काफी इसकी कंफर्टेबल है, लेदर फिनिश है, बाहर से 1 रुपया इसके अंदर आप लोगों को खर्च करने की इस गाड़ी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी कोई भी कंपनी की टॉप मॉडल गाड़ी में ये दिक्कतें आती नहीं है, सारे फीचर्स वही हैं जो और गाड़ियों में आते हैं। इसी तरीके से अप डाउन वगैरह, शीशे वीशे खोलने के लिए, बाहर का शीशा, ये एडजस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो ऑल द थिंग्स जो हर गाड़ी में आता है वो मिल रहा है। लेकिन और गाड़ियों में जो चीज़ बहुत रेयर में आती है, ये सोनी के 12 स्पीकर्स आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। चारों तरफ जो है ये पूरी की पूरी एयरबैग से जो है गाड़ी सेफ की हुई है, और महिंद्रा का ट्रस्ट आप लोगों को इस गाड़ी पे मिल रहा है। एक बार पीछे से मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे जब बंदे जाते हैं तो उस टाइम पे इस गाड़ी में सामान रखने की दिक्कत आएगी, तो वो इस वजह से, क्योंकि पीछे सामान रखने की इतनी जगह नहीं है, वो सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, तब आप इसके अंदर ज़्यादा सामान रख सकते हो। और वैसे ज़्यादा बंदे जा रहे हैं और सामान नहीं है, तो आराम से इसके अंदर 7-8 बंदे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्चूनर की तरह ऊपर वो खोलने वाली इसकी जो है दरवाज़ा नहीं आता, ये सही है, ये मेरे को बेस्ट लगता है, सही ओके रिपोर्ट है एकदम। तो ये जो पहले स्कॉर्पियो में आता था वही चीज़ आपको इस गाड़ी में भी मिल जाएगी। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक स्वीट सा कमेंट कर देना, लाइक ठोक देना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियोज़ आते रहेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर तो मैं इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।